स्कॉर्पियन भगा करके खुली सांस लेने और जीने का अवसर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाने का अवसर बराबर मिल रहा है। हर बीच मंगला गुरु जी हैं सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज 15 अगस्त है, आप शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे, देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ख्याति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के को बधाई देना चाहता हूँ कि जिनके नेतृत्व में आज 15 अगस्त बड़े ही हर्षोल्लास साथ मनाया जा रहा है। मुझे आज के कार्यक्रम का चीफ गेस्ट बनाया गया, मैं इसके लिए दुर्गेश यादव जी का, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का, अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जहाँ तक 15 अगस्त की बात है, यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन हमारे देश के जितने भी बलिदानी लोग थे, अपनी जवानी को गंवा करके, अपने परिवार को गंवा करके, अपने को गंवा करके, आज का दिन हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसा दिन दिए हैं कि हम इतिहास के रूप में अपने बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि आज हम लोग बलिदान होने के लिए तत्पर रहते हैं, रहेंगे, और हमारे पूर्वज बलिदान दे करके आज हमको ऐसा अवसर दिया है कि मैं अंग्रेजों को, हमारे पूर्वजों ने भगा करके खुली सांस लेने और जीने का अवसर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाने का अवसर बराबर मिल रहा है। जी, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को तो मैं अभी मंच से काफ़ी बात बताया हूँ कि बच्चे किसी का विकास, किसी जात का विकास, किसी समुदाय का विकास केवल शिक्षा से ही हो सकता है। बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं हो सकता, और शिक्षा भी संस्कारिक होनी चाहिए। शिक्षा संस्कारिक हो तभी हमारी बिटिया लोग जो हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो दो परिवार को प्रभावित करती हैं, सुशोभित करती हैं। भाई भी हमारे दो दो परिवार को सुशोभित करते हैं। मैंने उनको मंच से बताया, उन्होंने सिखाया और उनको संस्कार की बात बताया कि कम से कम आप सुबह उठिए, अपने माँ बाप का पैर छुओ, पृथ्वी मैया का पैर छुओ। जब आप माँ बाप का पैर छूते हैं तो आप में जो अहम होती है वह ख़त्म होती है और आप शिक्षा की तरफ उन्मुख होती हैं। 15 अगस्त है, आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त 1947 भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह एक बहुत बड़ा पर्व है। यह देश को एक संदेश और एक अपने भारत में एक अलग मिसाल है जी, जो कि सभी लोगों के इस पर्व को अपने अपने हिसाब से मनाना चाहिए। उसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसमें तमाम लोग शहीद हुए, तमाम हमारे भाई कुर्बान, अपनी जान को कुर्बान कर दिए, इसीलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस स्वतंत्रता दिवस है, और हमारे बच्चों को भी हम लोग संदेश देते हैं, आने वाले समय में आप लोग इससे जागरूक हुए और चलिए और देखिए हमारे कितने शहीद हुए हैं, कितने भारत में क्या किए हैं, सब यही है संदेश। आज आप ख्याति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आए हैं जी, आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में वो क्या कर सकते हैं? हमारा देश बहुत बड़ा विशाल देश है, बच्चे हमारे देश की पल से आगे जाएं, देखें और पढ़ें लिखें, मेहनत करें और हमारे भारत को आगे ले जाने का एक संकल्प लें। हाँ, इसी ख्याति जो कंप्यूटर है और जो ख्याति कोचिंग है, इस संस्था को, इस संस्था के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, इनका एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। आज जो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किए हैं तथा समय समय बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, और इनकी कड़ी मेहनत से जो बच्चे आगे जाएंगे, यही सबसे बड़ा ख्याति कंप्यूटर या ख्याति का काम है।